हेलो। हेलो जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। लोग आए, अभी हमारा सेशन है। हेलो। चलो, पता नहीं लोग कहाँ हैं आजकल। हेलो। हेलो। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे हमारे लेक्चर्स को। ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है। ओके, तो माइसेल्फ, पहले अपने बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा, वेलकम टू वाईफाई स्टडीज, अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो हमारा जो सेशन चल रहा था वो हमारा डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर या आरसीसी के लिए चल रहा था। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग टू आवर टॉपिक्स, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट द अन अकेडमी। तो माई सेल्फ सिद्धांत सिंह, आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 ऑफ नियरली इक्वल टू 4 ईयर्स। I had mentored in those 3.5 years, I had mentored more than 5 to 6,000 students in GATE and ESE domain. Besides this, I had also taught in SSC JEE examination domain. उस डोमेन में भी मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं। तो ये मेरा तो एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ बातें थी। आई हैड क्रैक गेट एग्जामिनेशन थ्राइस विथ अ वेरी गुड मार्क्स एंड इवन अपियर फॉर द इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन मेन्स। ओके, तो इन 3-4 सालों में मैंने जो भी चीजें सीखी हैं, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं वही सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो मेरा सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टाइज है वो मेरा आरसीसी, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टील स्ट्रक्चर है। तो इन सारे पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स लिए हैं इन ऑफलाइन डोमेन, ये इन्हीं चारों के कॉरस्पॉन्डिंग ही लिए हैं। ओके, तो हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं और आगे बात करते हैं, हमारे टॉपिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको अवेल कैसे करना है, आप इसको कैसे ले सकते हो। अगर जो मेरे वीडियो को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या यूट्यूब पे पहली बार हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्या करेंगे, जाके इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर में जाकर के। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप ही क्यों सजेस्ट किया जा रहा है, मैं क्यों आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप ही आप डाउनलोड करो, क्योंकि अगर आप किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हो, यानी किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, और अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, और इंडिया के टॉप एडुकेटर की हेल्प से सीखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही आना होगा। क्योंकि इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं और जो टॉप कंटेंट है जो आपको मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी पे ही मिलेगा। तो ये हमारा अनअकैडमी से रिलेटेड बातें थे। तो आपने जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद क्या करना है, आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है कि आप किस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। चाहे आप एसएससी जेई के लिए कर रहे हो, गेट के लिए कर रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए कर रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हो, आईआईटी जेडब्ल्यूई के लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो, या किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन पीसीएस जॉब के लिए अगर आप कर रहे हो, तो आप अपना डोमेन यहाँ पे आकर सेलेक्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कीजिए, अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कीजिए। और हाउएवर, जो हमारे अनअकैडमी के जो कोर्सेज का जो कॉस्ट है, बहुत सारे कोर्सेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। इंडिया में ऐसा शायद ही कोई है जो फ्री में कुछ इतना सारे कंटेंट दे रहा। तो अनअकैडमी में बहुत सारे कंटेंट फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको सीरियसली स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन के इंटेंशन से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, नॉट फॉर जस्ट द सेक ऑफ टाइम पास, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो बोलो, बोल रहे हो सर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट क्या है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट आपको यही है कि आप जैसे अभी ये मेरा सेशन लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लाइव सेशन चलते हैं,
स्पेशल क्लास का अलग सेशन होता है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन स्पेशल क्लास तो फैकल्टी अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं उनको क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना। लेकिन प्लस कोर्स में क्या है कि वो फुल कोर्स लेकर के आते हैं इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, और इस कोर्स करने के कंटिन्यूएशन में इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, आप लाइव अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, और आपका जो डाउट का जो सॉल्यूशन होगा एट दैट वेरी मोमेंट आपके एडुकेटर के द्वारा आपके एडुकेटर के हेल्प से इमीडिएट वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिसाइड दिस प्लस सब्सक्रिप्शन का नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, आपको डेली रेगुलर बेसिस पे क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ इट इज अन अकेडमी एक नए प्रोग्राम के साथ आया है, वो है हमारा आइकॉनिक प्रोग्राम। आइकॉनिक प्रोग्राम क्या है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के जो सारे बेनिफिट्स हैं अलोंग विद दैट, अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो आइकॉनिक प्रोग्राम में क्या है, प्लस प्लस स्टडी मटेरियल यानी प्लस सब्सक्रिप्शन अलोंग विद दैट स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, आइकॉनिक प्रोग्राम में। तो आइकॉनिक प्रोग्राम का क्या है, ये कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स इट इज 45,000 225 एंड इट फॉर 24 मंथ्स इज 66,600। ओके, ये तो हमारा इससे रिलेटेड बात था, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले। अब जो हमारा सिंपल जो प्लस कोर्स का जो कॉस्ट है वो हमारे यहाँ पे मेंशन है फॉर 1 मंथ एंड 3 मंथ्स, ये जो दो प्रोग्राम है ये उनके लिए होता है जो बेसिकली क्रैश कोर्स के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे अभी गेट का नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है, फेब्रवरी में हमारा गेट का डेट भी आ चुका हुआ है, ये उनके लिए है बेसिकली। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर कोई फैकल्टी या ग्रुप ऑफ फैकल्टी का कोई क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है तब ये आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये 3 मंथ के प्रिपरेशन से ही आप गेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पकड़ोगे तो नहीं। ठीक है, तो ये 1 मंथ एंड 3 मंथ, 1 मंथ तो मुझे उनके लिए होता है जो वेरी लास्ट मोमेंट में एक नहीं होता है T20 टाइप का, वो उस टाइप के प्रिपरेशन के लिए है। अब जो है जो बेसिकली मेरा जो सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए वो 18 या 24 मंथ्स का लें, क्योंकि 18 एंड 24 मंथ्स उनके लिए है जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट उनके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और 12 मंथ्स उनके लिए होता है जो पास आउट हो चुके हुए हैं उनको, जिनको रिविजन करना है उनके लिए ये सारे हमारे पैकेजेस हैं। अब आपको क्या करना है कि मोड ऑफ पेमेंट हमारा कैसे होता है, मोड ऑफ पेमेंट अनअकैडमी का कैसे होता है, तो आप यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो डेबिट आइदर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। नाउ इट इज अब तो बहुत अच्छा है, नो कॉस्ट ईएमआई पे भी अनअकैडमी के कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल है। बिसाइड दिस यहाँ पे यूपीआई एंड वॉलेट फैसिलिटी एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमारे कुछ पेमेंट के मोड वगैरह थे जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर से जरूर इन सारी चीज़ों को आप देखें और तरीके से आए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। नाउ अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो हम लोगों ने हमारा लेक्चर था जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो मैंने जब लेक्चर कंक्लूड किया था तो हमने क्या था, ये डिफरेंट टेस्ट रिगार्डिंग द वर्कएबिलिटी मैंने आपको सिखाया था, आपको समझाया था, और आपसे पूछा था कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो तो मैं वहां पे आंसर कर दूंगा, या कोई टेलीग्राम ग्रुप अगर बन रहा है तो उसका भी लिंक हम लोग यहाँ क्या करेंगे आपके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, वहाँ से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और आपके जो भी डाउट होंगे तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो देखते हैं आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे हार्ड एंड कंक्रीट के लिए। हार्ड एंड कंक्रीट में हम लोगों ने बताया कि जो कंक्रीट हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका हुआ है आफ्टर 28 डेज ऑफ स्टैंडर्ड क्यूरिंग, तो उस तरह का जो कंक्रीट होता है वो हमारा हार्ड एंड कंक्रीट होता है। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्रेसिव, बेसिकली बात उसी के लिए हो रही है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को बताया है कि हम लोग जो भी स्पेसिमेन लेते हैं, कल मैंने बताया था कि हम लोग जो कॉम्प्रेशन एंड टेंशन टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रेशन टेस्ट जो करते हैं वो आइदर CTM यानी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे करते हैं या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का भी मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया, विशेषता मैंने बता दी। ठीक है, तो अब क्या है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारा जो स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ क्यूब जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो क्या होता है हमारा 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm।
इस डायमेंशन का क्यूब हम लोग पकड़ते हैं, क्या डायमेंशन है, 150 mm बाय 150 mm, और एक हमारा पीछे का डायमेंशन हो जाता है, ये लेफ्ट में चला जाएगा, वो दिख नहीं रहा है, तो वो हमारा हो गया 150 mm। ओके, तो बेसिकली हमारा जो फ्रंट व्यू है, हमारा जो सामने से सेक्शन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है। तो उसके लिए हम लोग देखें क्या है, उसके लिए हम लोग देखें क्या है, तो कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन है। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारा जो क्यूब है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं, हमारा जो क्यूब है उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं, और देखो क्या होता है। तो जैसे ही यह हमारा क्या है, क्यूब, ठीक है, सामने से तो स्क्वायर शेप का दिखेगा, ठीक है, क्यूब, तो क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लगाया, कॉम्प्रेशन लगाया, थोड़ा टिल्टेड हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या लगाया, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया। अब क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब क्या होता है, तो इट इज द स्ट्रेंथ, सॉरी, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ क्यूब हुज डायमेंशंस आर, क्या डायमेंशन है जो मैंने अभी आपको बताया है, 150 × 150 × 150 mm, all dimensions are in mm. It is the compressive strength of the cube whose dimension are 150 × 150 mm. और ये क्या होता है हमारा, after 28 days of standard curing. यानी 28 दिन आपने क्या किया, आपने जो क्यूब कास्ट किया उसको पानी में छोड़ दिया, आपने जो क्यूब कास्ट किया उसको पानी में छोड़ दिया और उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला, उसका क्या किया आपने, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला, और जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिला है वही हमारा क्या है, आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। नाउ अब हमारा क्या है, नेक्स्ट जो डिस्कशन है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। देखो एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब टर्म नंबर वन क्या है हमारा, टर्म नंबर वन ये है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है यहाँ बहुत स्टूडेंट्स को, तो मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, एंड तीसरा है मेरा कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। मैंने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज फॉलो किया है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज दिया है, तो इन तीनों में ध्यान से सुनना, इन सारी पे बात बता रहा है। पहला क्या होता है हमारा, ध्यान से देखो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, ये सारा हार्ड एंड कॉन्क्रीट का प्रॉपर्टी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, और तीसरा है हमारा, ये तीन पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्क्रीट। इन तीनों में बहुत ही मिनिमल, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। डेफिनेशन अगर आप समझ जाते हो और कुछ आपको कॉन्सेप्ट यहाँ मैं देता हूँ, अगर ये चीज समझ जाते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के जो क्वेश्चन अगर आएंगे 1 मार्क्स के, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट जो है, तो हमारा क्या है नेक्स्ट जो है, ये तो आप समझ गए कि 28 दिन के क्यूरिंग के बाद जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आप ऑब्टेन करते हो अपने कंक्रीट क्यूब का, जिसका डायमेंशन 150 बाय 150 mm है, वो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब होता है। और याद रखना, इन सब के एप्लीकेशन है, ये जो आप सीखोगे ये सारा का एप्लीकेशन है, क्योंकि अब ये हमारा फंडामेंटल हम लोग आरसीसी में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आरसीसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं, यहाँ से आरसीसी का पूरा एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन जो है पॉइंट नंबर 3 का, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इसका एप्लीकेशन आपको आरसीसी में मिलेगा आगे।
जो हमारे जो लिमिट स्टेट मेथड है यहाँ उसका कैसे एप्लीकेशन होगा वो आप ध्यान से देखना। तो हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, ये क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ, स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज द स्ट्रेंथ, एग्जाम्पल भी देंगे आपको, बिलो विच नॉट मोर देन फाइव परसेंट ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। बोलो सर डेफिनेशन तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, कतई समझ में नहीं है, आप क्या क्या बोल के चले गए। चलो मैं एग्री कर रहा हूँ, आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा। अब देखो मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं क्या देने वाला हूँ आपको, एग्जाम्पल देने वाला हूँ, और एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना कि सर नहीं समझ में आया। ओके, तो क्या एग्जाम्पल है ध्यान से देखना, एग्जाम्पल अब हम लोग क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब ट्वेंटी, ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक के टर्म है, ठीक है। अब क्या हम कहना चाह रहे हैं, अब आपसे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनोगे, अब आपसे क्या कहा जा रहा है वो आप ध्यान सुनना। हमने बोला इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी आपने आप कब कहोगे कि ये आपका जो 20 है, एम 20 है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब है। एम 20 का मतलब क्या होता है, ये मेरा एम मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको एक बार बताया था, ये हमारा मिक्स होता है, और 20 क्या होता है हमारा, 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या 20 मेगा पास्कल, यही होता है ना। तो आप कब कह रहे हो कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ये जो मेरा सैंपल है उसका वैल्यू 20 है या एम 20 है, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपने 100 क्यूब कास्ट किया है, क्या किया आपने, 100 क्यूब कास्ट किया है, ठीक है ना। क्यूब का डायमेंशन क्या है, 150 बाई 150 बाई 150, ठीक है, ऑल डायमेंशन आर एमएम। आपने क्या किया है, 28 डे का क्यूरिंग दिया है, उसके बाद आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट जब किया तो आप जाकर के अपने प्रोफेसर को बोले कि सर इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या है हमारा, 20 है, एम 20 ग्रेड का है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने 100 सैंपल का टेस्ट किया तो आपका जो टेस्ट रिजल्ट्स का जो वैल्यू आया है, टेस्ट रिजल्ट्स का जो वैल्यू आया है वो क्या है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 क्यूब जो है, 95 क्यूब जो है वो यानी 95 से ज्यादा या उसके बराबर जो क्यूब है, जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि 100 सपोज करो आपने, आपके पास 100 सैंपल, 100 क्यूब का आपने टेस्टिंग किया, तो उसमें जो 95 या उससे ज्यादा जो क्यूब होगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 20 न्यूटन पर एमएम से ज्यादा होगा, 20 न्यूटन पर एमएम से ज्यादा होगा। बाकी जो रेस्ट जो होंगे, लेस देन 5 क्यूब जो होंगे, लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब जो होंगे वो क्या होंगे, वो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम होंगे। कहने का मतलब क्या है, आपके पास 100 क्यूब का सैंपल था, 100 क्यूब में आपने जब कमेंट करने के लिए आपको बोला गया कि आप एम 20 है, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो 95 क्यूब या उससे ज्यादा, 96 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, वो जो क्यूब है वो क्या है हमारा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है वो ग्रेटर देन 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है,
लेकिन जो आपका 5 क्यूब है या उससे कम क्यूब है, 5 और less than 5, वो हमारा क्या है, आपका 20 न्यूटन पर स्क्वायर से कम वैल्यू दे रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा ये डेफिनेशन है, ये क्या होता है, जस्टिफाइड होता है। ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब जो नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ चलो ये डेफिनेशन हो गया, ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करेंगे। ऑल क्लियर, चलो तो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। ये हमारा था कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, यानी इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। और उसमें हम लोगों ने क्या एग्जांपल कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है कि एक हम लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल है वो मेरा 20 न्यूटन पर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 95 क्यूब के बराबर बराबर का हो, या 95 क्यूब अगर 5% अगर एग्जैक्टली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चला जाए, एग्जैक्टली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चला जाए, तो यानी मेरा 95 क्यूब जो होगा वो एब्सोल्युटली जो वैल्यू देगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का, डेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 20 न्यूटन पर स्क्वायर। और जो हमारा 5 क्यूब जो होगा, 5 क्यूब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से स्पेसिफिकली ही बात करें, तो हमारा जो 5 क्यूब जो होगा उसका जो वैल्यू होगा वो लेस देन क्या होगा, 20 न्यूटन पर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग आपका डिस्कशन था। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं, क्या यहाँ पे जो आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डायग्राम का मतलब क्या है, इस डायग्राम से क्या है। तो क्या है, सपोज करो जब आपने ये 100 क्यूब जो आपने कास्ट किया है, 100 क्यूब जो आपने कास्ट किया है, यहाँ पे क्या है ध्यान से देखेंगे, 100 क्यूब जो आपने कास्ट किया है, जब आप उसको उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है ना, तो ऑब्टेंड करेंगे कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स जो है, वो आपके ये FCM जो है, यही हमारा क्या, इसको हम लिखने वाले हैं FT से, ठीक है ना, वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ के आसपास है। यानी हमारा जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होता है, ध्यान से देखेंगे, FT इज इक्वल टू FCK प्लस के इंटू एस, ये एक्सप्रेशन है कि FT क्या है हमारा, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, यानी जब आप मिक्स डिजाइन करते हैं तो आपका टारगेट ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे FT क्या है मेरा, टारगेट मीन स्ट्रेंथ FCK क्या है, तो FCK अभी आपको ऊपर मिल गया, FCK हमारे यही है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, दिस इज नथिंग बट द FCK, यहाँ पे लिख देता हूँ। K क्या है हमारा, K क्या है हमारा, ये हमारा है परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन, एंड S जो है हमारा क्या है, S क्या हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग जब फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ये क्या है आपका, देखो ये कहा गया, फ्रीक्वेंसी यानी ये हमारा इस पे क्या, ये एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स और कहो फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम, नंबर ऑफ क्यूब्स वर्सेस जब आप स्ट्रेंथ का कर्व प्लॉट करेंगे, और ये जो कर्व जो होता है, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स देखे होंगे तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी यही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप का कर्व्स होते हैं मैथमेटिक्स में, आपने देखा होगा। ये हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करोगे, यानी जब आप अपने कॉन्क्रीट का जो सैंपल है, 100 सैंपल है, उसको आप जब अरेंज करोगे, तो आप जो ऑप्टेंट करोगे क्या, कि ये जो एरिया है, ये एक्चुअली क्या है, एरिया जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या है हमारा, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ठीक है। तो जो हमारा डेफिनेशन जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन क्या है हमारा, तो A1 by A2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5%, A1 by A2, यानी कैरेक्टरिस्टिक, यानी डेफिनेशन क्या है, क्या कह रहा है ये, कि 5% जो टेस्ट रिजल्ट है वो फॉल कर रहा है इसमें, किसमें, बिलो, और बाकी ये क्या है, ये आपका टारगेट स्ट्रेंथ है।
यानी आप क्या कर रहे हैं, यानी ये जो रेस्ट एरिया है A2 का एरिया क्या है, ये मेरा 5% या उससे कम है जो हमने लिखा है, A1 बाई A2 इंटू 100 करो। ये जैसे A1 का एरिया 5% उससे कम होगा और ये हमारा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 95%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 95%, ये हमारा क्या है, A2 का एरिया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट किया तो हमने ऑप्टेट किया कि हमारा जो मैक्सिमम क्यूब्स जो है, मैक्सिमम क्यूब जो है वो किस एरिया में है, वो आपका एज पर डेफिनेशन वो FCK से ज़्यादा हो रहा है। और आप एक चीज़ और बता दूँ, अगर सिमिलरली अगर आप वापस से एक कर्व प्लॉट करते हो, ये वन मार्क्स का क्वेश्चन वापस से डिस्कस हो रहा है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हैं हम लोग, स्ट्रेंथ लेने वाले हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो जैसे कर्व का ये नेचर आपने देख लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेचर का है, तो जितना ज्यादा ये शार्प होगा कर्व, उतना अच्छा क्वालिटी का आपका क्वालिटी कंट्रोल है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉन्क्रीट है, देखो यहां पे क्या है, इस कर्व को देखो तो ये थोड़ा फ्लैट नेचर का है, अगर यहीं इसी कर्व में ये क्या है, अगर हमारा कर्व का नेचर थोड़ा अगर ऐसा होता, ठीक है, तो हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो हमारे टारगेट के आसपास है, यानी जितना क्वालिटी का कंट्रोल जो होगा, यानी जितना नंबर ऑफ क्यूब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब अगर हमारे टारगेट के आसपास है, तो उतना बढ़िया क्वालिटी का आपने कॉन्क्रीट क्यूब कास्ट किया है, ठीक है ना, गुड क्वालिटी का आपका ये कमेंट आप दे सकते हो। तो शार्पर विल बी द नेचर ऑफ द कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कर्व, शार्पर बेटर विल द क्वालिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, ये हमारा कमेंट होता है। तो अब हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात हो गया, इसके ऊपर बात हो गया, अब हम लोग बात करेंगे के ऊपर, जो कि अब परसेंट ऑफ डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, ये के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो थोड़े रीजन को हम लोग इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, अभी के ऊपर बात करेंगे। तो ये के हमारा क्या है, तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन है, और एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो दोनों के ऊपर भी हम लोग को बात करना है, कैसे बात करेंगे वो देखेंगे। तो हम लोग देखो क्या है हमारा के, के जो है हमारा वैल्यू ऑफ के, और गेट 2008 में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया था, वन मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने ड्राफ्ट किया था, और वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल था। अगर हमारा परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन वर्सेस के का हम लोग देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन, और ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ के, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन और वैल्यू ऑफ के में हम लोग देखते हैं चीज। अगर हमारा परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन 0% है, परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन मेरा 0% है, तो के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अगर परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन 5% है, तो के का वैल्यू जो है 1.65 मिलेगा आपको, और के का वैल्यू आपको 50% है, के का वैल्यू अगर 50% है, तो आपको परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी अब क्या है, डेफिनेशन सुनो, अभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। अब गेट में उन्होंने क्या पूछा था आपसे सवाल, कि अगर हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा क्या है, इफ द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% के जगह 50% अगर हो जाए, क्या है हमारा, कि अगर हमारा 50% आपने जो 100 क्यूब कास्ट किया है उसमें से 50 जो है वो आपके टारगेट मीन स्ट्रेंथ से, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से कम हो जाए, क्या हो जाए, टारगेट मीन स्ट्रेंथ से कम हो जाए, अंडर दैट सिचुएशन आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होगा। क्या सवाल था, कि अगर
गेट का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही सुन लो, पहले क्वेश्चन हम लोग सेशन रखेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी क्या है डेफिनेशन के हिसाब से, ये क्या पूछा गया है, वेट करेंगे। अब क्या है हमारा कि अगर परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन में ये हमारा 5% है, 5% है, तो हमारा के का वैल्यू हो रहा है 1.65। सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पर अगर डेफिनेशन चेंज हम करते हैं कि अगर इफ द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 0% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो उस केस में ये के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर हमारा ये 50% है, इसी 50% के ऊपर गेट में क्वेश्चन उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपका जो टेस्ट रिजल्ट है उसमें 50% जो है वो फॉल कर रहा है, तो उस केस में आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या है, उस केस में आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या है, और कुछ वैल्यूज लेके उन्होंने ये क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया था, कुछ वैल्यूज लेकर उन्होंने क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया था। तो उस केस में टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ सी के हो जाता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ सी के। यानी अगर आपसे मैं रिवर्स क्वेश्चन अगर ड्राफ्ट पूछूं कि अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होता है, एफ टी जो होता है, वो एफ सी के बराबर होगा, एफ टी एफ सी के बराबर कब होगा, ये अगर मेरा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कमेंट करोगे सर जब परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन जो है वो अगर हमारा 50% हो जाता है अंडर डेट सिचुएशन, हमारा एफ टी इज इक्वल टू एफ सी के होता है। दैट इज द डिस्कशन रिगार्डिंग द, दैट इज द डिस्कशन रिगार्डिंग द, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी के रिस्पेक्ट में। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हमारा है किसके लिए, वो होगा हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना वो दो चीज का फंक्शन होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, दो चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले वो डिपेंड करता है क्वालिटी कंट्रोल पे, और दूसरा वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। और आईएस कोड ने हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दे रखा है कि किस ग्रेड के कंक्रीट रेंज के लिए, किस ग्रेड के कंक्रीट रेंज के लिए आपको कौन सा वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन पकड़ना होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, लिखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट और उसके बगल में लिखते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्रेड ऑफ कंक्रीट और नेक्स्ट क्या हमारा, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन। तो ये अगर हमारा M10 से लेकर के M15 तक है, M10 टू M15 है, उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू जो होता है, जो आईएस कोड हमें दिया है, वो 3.5 होता है, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट किया। अगर हमारा M20 से M25 है, कितना है, M22 M25 है, अंडर डेट सिचुएशन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होता है, 4। और अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू M30 से, तो M35 है, उस कंडीशन में हमारा 35 नहीं सॉरी M55 है, M55 है ये, उस कंडीशन में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 5.0 यानी 5 है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल पर डिपेंड करता है। वन मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो अब ये जो डिस्कशन था वो हमारा क्या है, ये हमारा क्या था रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। और जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एरिया, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्यूब्स, कितना नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सॉरी, क्यूब का तो हो गया, कॉन्क्रीट क्या होगा। तो चलो एक चीज बताओ, एक चीज हमारा सवाल यहाँ से है, अब यहाँ पर डिस्कशन शुरू होगा कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, तो एक बात बताओ कि अब हम लोग आ रहे हैं साइट पे, ठीक है ना, साइट पे आ रहे हैं, तो क्या आपने जो
लैब का जो कंडीशन आपने देखा है, लैब का जो कंडीशन आपने देखा है, लैब में आपने क्या किया था, आपने सिर्फ यूनिएक्सियल कंप्रेशन दिया था, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये होता क्या है, ध्यान से सुनना इसको, अब यहां से चीज शुरू भी हो रहा है हमारा आरसीसी का टॉपिक, सॉरी आरसीसी का टॉपिक अब यहां से शुरू भी होने जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, तो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट होता है ये, और ये कैसे ऑब्टेंड होता है वो ध्यान देखो, इट इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग द, ध्यान सुनना, डिवाइडिंग द कॉम्प्रेसिव बेटर टू से कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव टर्म यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, डिवाइडिंग द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब बाई अ फैक्टर ऑफ वन पॉइंट फाइव, ठीक है। ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर शुड नॉट बी मिस अंडरस्टूड एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो क्या है ना कि आपने जब कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब निकाल लिया, उसमें जब आप 1.5 से डिवाइड करते हैं, ये एक फैक्टर है हमारा, ध्यान सुनना, अगर आप जब कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब को जब आप 1.5 से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आपको मिलता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट होता है, ठीक है ना। क्यों, अब ये बोलोगे सर ये जो 1.5 है ये क्या है, तो ये 1.5 ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, ठीक है ना, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये एक अलग न्यूमेरिकल फैक्टर है जो हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं, क्यों कंसिडर करते हैं, तो स्टेटमेंट लिख, ध्यान से देखना कि दिस फैक्टर इज कंसिडर टू अकाउंट द वेरिएशन इन शेप। एक बात बताओ, जब साइट पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है, साइट पे जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंक्रीट का यूज करते हैं, तो क्या आपके पास क्यूबिकल शेप का सारा सेक्शन होता है, आपको क्यूब मिलता है क्या, नहीं, आपको तो मोस्टली, अगर हम खुद के सिलेबस की बात करें तो आपको, हम तो रेक्टेंगुलर सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो उस चीज को कैसे काउंटर करेंगे, उस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है क्या है कि आप वेरिएशन इन शेप को काउंटर करने के लिए आप एक फैक्टर कंसिडर कर रहे हो, वो क्या है हमारा 1.5, क्यों, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब नहीं होने वाला है, वो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा एक अलग किसी और शेप का सेक्शन होने वाला है, पार्ट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। लैब में पॉइंट नंबर टू क्या है हमारा, लैब में जो आप क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करते हो, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि वहां पे टेक्निकल सुपरविजन रहता है, ठीक है, टेक्नीशियन वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्या जब साइट पे जो हमारा कॉन्क्रीट जब आप तैयार होता है तो क्या वही क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहता है, क्या सेम क्वालिटी कंट्रोल जो लैब का कंडीशन में रहता है, क्या सेम क्वालिटी कंट्रोल क्या आपको साइट पे रहता है, नहीं रहता है। तो इस दो चीज को एनकाउंटर करने के लिए, इस दो चीज का के नेगेटिविटी को नलिफाई करने के लिए, कम करने के लिए जो फैक्टर कंसिडर किया गया है वो फैक्टर का वैल्यू 1.5 है, एंड दिस फैक्टर इज नॉट द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच वी कंसिडर्ड इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, ओके। तो दिस फैक्टर इज कंसिडर्ड टू अकाउंट द वेरिएशन इन शेप एंड एंड
क्वालिटी कंट्रोल एंड लोडिंग कंडीशन। एक बात बताओ, लोडिंग कंडीशन कहने का मतलब क्या है? लोडिंग कंडीशन कहने का मतलब क्या है? अच्छा एक चीज रह गया, एक चीज उल्टा बता दिया, एक चीज उल्टा बता दिया, एक होल्ड करना, पेन कहाँ गया? एक क्वालिटी कंट्रोल का एप्लीकेशन कहाँ आने वाला है उस पर बात करेंगे, ठीक है ना? क्वालिटी कंट्रोल के बाद कहाँ पे आएगा वो पहले बात करेंगे। तो ये पहला तो क्या था कि आपके पास जो साइट पे जो है क्या मिलने वाला है, साइट पे जरूरी नहीं है कि आपको एक क्यूबिकल शेप मिले, नहीं क्यूबिकल शेप नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको कोई भी शेप मिल सकता है। तो उस शेप के इफेक्ट को एनकाउंटर करने के लिए हम लोगों ने क्या चीज कंसिडर किया है, उस शेप के इफेक्ट हम लोगों ने काउंटर करने के लिए जो चीज कंसिडर किया है वो फैक्टर हम लोगों ने क्या किया है, 1.5 कंसिडर किया है। टू अकाउंट, ठीक है। अब क्या है आपका जो क्वालिटी का रूल आता है वो जब हमको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब कंसीडर करते हैं तब क्वालिटी कंट्रोल का रोल आएगा, जब हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल आता है। यहाँ पर अभी क्या है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में दो चीज का कंसिडरेशन लेते हैं, सबसे पहला जो होता है हमारा वेरिएशन इन शेप और दूसरा होता है हमारा लोडिंग कंडीशन। अब बोल दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया कि हमारा जो शेप है वो जरूरी नहीं है क्यूबिकल शेप हो, वो किसी भी शेप का हो सकता है, पॉइंट नंबर वन। लोडिंग कंडीशन के लिए बात करें तो क्या हम जो सेक्शन कंक्रीट के लिए जो हमारा जो भी कंक्रीट का जो भी सेक्शन होता है, जो भी सेक्शन होता है अगर साइड पे देखोगे तो सारे सेक्शन के ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है क्या? नहीं, सारे पे तो कॉम्प्रेसिव फोर्स नहीं लगता है। तो उस केस में क्या होगा, उस चीज को एनकाउंटर करने के लिए ही ये हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये फैक्टर 1.5 ले रहे हैं। तो यानी यहाँ पे लिख लेना अदर देन कंप्रेशन, बेटर टू से एक्सियल कंप्रेशन होता है हमारा, और ये शेप का वेरिएशन का कारण क्या हो रहा है, अदर देन। अच्छा एक चीज आपको बता देते हैं, जनरल कन्वर्सेशन में है ना, नोट में लिख लेना इस पॉइंट को, ठीक है? जनरल कन्वर्सेशन की बात करें, नोट का पॉइंट है ये, नोट इन जनरल कन्वर्सेशन। अच्छा लिख लेते हैं, दिस फैक्टर ऑफ 1.5 इज नॉट द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है? और जनरल कन्वर्सेशन के लिए और कन्वर्सेशन के लिए बात करें, टेक्निकली ये चीज गलत हो जाता है लेकिन कन्वर्सेशन हम लोग क्या करते हैं वो देखो, फॉर जनरल कन्वर्सेशन इट इज स्टेटेड दैट, क्या कहा जाता है, द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। ये हमारा तीन टर्मिनोलॉजी था, इसके ऊपर अभी ध्यान से रखना, यहाँ पे अभी जो चीज है इस लेक्चर को कहना मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एंड कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। इन सारे वैल्यूज को, इन सारे स्टेटमेंट को याद रखना, जब लिमिट स्टेट मेथड जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिजाइन स्ट्रेंथ आएगा, और डिजाइन स्ट्रेंथ में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट पार्ट नंबर वन एंड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पार्ट नंबर टू। तो डिजाइन ऑफ स्टील तो आपको आगे समझ में आएगा, डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट में जो भी बातें होगी वो इस डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वहां पे बात करेंगे। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना।
तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछे। क्वेश्चन है चलिए, नहीं कोई क्वेश्चन है हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या हमारा आपको समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव एक्शन ऑफ कॉन्क्रीट में जो फैक्टर 1.5 लेते हैं किसके लिए ले रहे हैं, तो सेफ वेरिएशन को और लोडिंग कंडीशन को काउंटर करने के लिए ये फैक्टर 1.5 हम लोगों ने पकड़ा है। और जो क्वालिटी कंट्रोल का जो चीज रोल में आता है वो कब आएगा वो आपको हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड स्टेट में। क्वालिटी कंट्रोल का जो रोल आएगा वो भी जल्द भावनाओं में बहते बहते मैं बोल गया था। क्वालिटी कंट्रोल का जो चीज आएगा वो हम लोग LSD में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का कोई एप्लीकेशन नहीं है। कहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लिमिट स्टेट में, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत जल्दी ही उस चैप्टर पे हम लोग आने वाले हैं। अब क्या है कि हम लोग जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने कंक्रीट का प्रोजेक्ट किया होगा या अपने कंक्रीट लैब में अगर आप जाते होंगे तो वहां पे जो सांचा रहता है, ठीक है ना, जो मोल्ड्स होते हैं वो किसके दो दो शेप से कॉरस्पॉन्डिंग रहते हैं। एक या तो वो क्यूबिकल शेप के होते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो इंडिया में जो चीज फॉलो होता है वो यहाँ पे क्यूब क्यूब को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना, हम इंडियंस लोग इसको जनरली फॉलो करते हैं। और यूएस वाले ASTM यानी IS कोड वाले किसको, इसको क्यूब को, और ASTM वाले सिलेंड्रिकल शेप को वो करते हैं। आप बोलोगे सर इसको यहाँ पे लाने का पढ़ाने का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो क्या है ना कि इस दोनों के बीच में अब हमने क्या किया, इन दोनों सेम चीज, देखो आपके पास सेम ग्रेड है कॉन्क्रीट, सपोज करो मैंने क्या किया, एक मेरा फाइनल जो टारगेट मेरी स्ट्रेंथ है M30 ग्रेड का कॉन्क्रीट मैंने ट्राई तैयार किया, ठीक है M30 के सेम सैंपल है, सेम सैंपल का मैंने क्या किया 150 mm, ध्यान से देखेंगे, सेम सैंपल का मैंने 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का मैंने क्या किया, एक स्पेसिमेंट तैयार किया, ध्यान से देखेंगे 150 mm, ये भी मेरा क्या है 150 mm। देखो डिफरेंस क्या है, यही सारी चीजें आपको बता रहे हैं, 150 mm और एक डायमेंशन दिख नहीं रहा है, ठीक है। और सेम गिवन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का मैंने क्या किया, सिलेंडर लिया जिसका डायमेंशन कुछ यू है 300 mm, और डाया क्या है उसका, डाया उसका क्या है 150 mm, वन फिफ्टी mm। और इन दोनों के ऊपर सेम कंडीशन में यानी लैब में हम लोगों ने क्या किया है, कॉम्प्रेशन टेस्ट किया है, हम लोगों ने क्या किया है कॉम्प्रेशन टेस्ट किया है। और जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं, आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं वो चौंकाने वाले मिले हैं। क्या मिले हैं कि जो FCK क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, FCK क्यूब जो है वो कितना है 1.25 टाइम्स ऑफ FCK सिलेंडर है। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो अगर आपको इसका जो वैल्यू 100 अगर आया होगा, एक बोलने चाह के यहाँ बोलोगे सर M30 ले रहे हो तो 100 कैसे आ रहा है, तो आपको ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अगर आपका अगर आपने क्यूब लिया है, क्यूब को क्या किया उसका वैल्यू अगर आपको 10 आ रहा है, किसका आ रहा है 10 का वैल्यू आ रहा है, किसका FCK क्यूब का वैल्यू 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है, तो सेम कंक्रीट को जब आप सिलेंड्रिकल शेप पर तैयार करोगे तो उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो आएगा वो 12.5 आएगा, ठीक है ना, मतलब सॉरी क्यूब का वैल्यू अगर 12.5 है तो सिलेंडर का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, मैंने फिर उल्टा बोल दिया। अगर आपने जो कैलकुलेट किया है किसका सिलेंडर का वैल्यू अगर आपको 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है सिलेंडर का, तो अगर आप सेम कंक्रीट यूज करो, सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हो, सेम सैंपल यूज कर रहे हो और क्यूबिकल शेप का अगर वो है, तो उस केस में जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा किसका क्यूब का 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर।
और अल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हो, अल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हो, इसी फॉर्म में आता है, एफ सी के सिलेंडर इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ एफ सी के क्यूब, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से बहुत बुक में ऐसे लिखा रहता है, बहुत बुक में ऐसे लिखा रहता है, तो मैंने दोनों डेटा आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा होता क्या है, एक्चुअली हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का कुछ पॉइंट है, ठीक है, इसके पीछे का कुछ पॉइंट है। हालांकि एक चीज बता दे रहे हैं कि जो मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो देता है ना, मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो मिलता है वो सिलेंडर के कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है, मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो मिलता है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सिलेंडर देन दैट ऑफ क्यूब, मोर, और ये एक्चुअली यूजुअली यूज ये होता है, यूजुअली इट इज यूज, ठीक है ना। तो मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सिलेंडर। अब सवाल उठता है वाई सो, ऐसा क्यों, ठीक है ना। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, कि मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट, दोनों तो सेम ग्रेड का कॉन्क्रीट है, तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट क्यों देता है सिलेंडर, और एक्चुअली यूज होना चाहिए कौन सा, एक्चुअली यूज होना चाहिए सिलेंडर ही, क्योंकि सिलेंडर के क्या है, हम लोग कंजर्वेटिव साइज में रहेंगे, ठीक है ना। हमारा स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट जो होगा, सेक्शन जो होगा कॉन्क्रीट को, हम लोग हमेशा कंजर्वेटिव साइज में रखेंगे, उससे जो भी हम लोग सोच के चलेंगे कि ये स्ट्रेंथ देगा, आइडियली वो से ज्यादा देगा, ठीक है ना, आइडियली वो से ज्यादा देगा। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जब आप यूटीएम में या सीटीएम में, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में सैंपल को आप जब डालते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स रोल में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, रीजन जो अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, तो ये 150 बाय 150 का है, इसमें मेटल प्लेट्स, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर है, बहुत लाइट हो गया हुआ है, डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, तो ये मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट क्यों देता है, उसके पीछे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर, डायग्राम बनाएंगे, सिलेंडर गिव्स मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू क्यूब, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल प्लेट्स, ठीक है ना। मेटल प्लेट्स क्या है, क्योंकि यूटीएम में क्या है, आपका ये जो सैंपल है यहाँ पर आपको ऐसे इसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना, होल्ड करना पड़ेगा या इसको सिंपली रेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारा जो टॉप और जो बॉटम का जो रीजन है वो किस में होगा, इट इज इन टोटल कॉन्टेक्ट विद द प्लेट्स, और मेटल प्लेट्स के कॉन्टेक्ट में आने के कारण क्या होगा, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल स्ट्रेस का जनरेशन होगा, जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा यानी आपको ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफर करेगा। तो ज्यादा स्ट्रेंथ क्या होगा, वो तो हमारी निगेटिविटी, निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, यही है, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल प्लेट्स एंड द मिडिल पोर्शन, यहाँ पे देख लो, एंड द, वही टर्म यूज कर रहे हैं, मिडिल पोर्शन इज ऑलमोस्ट नील, यानी हमारा ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये हमारा क्या है,
अफेक्टेड बाय फ्रिक्शन है। और ये जो बीच का रीजन है यहाँ पे जो देख रहा है रेड सब मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है अनअफेक्टेड बाय फ्रिक्शन है। तो इसमें लार्जर एरिया जो है, लार्जर एरिया जो है वो अनइफेक्टिव अनअफेक्टेड बाय फ्रिक्शन है, ठीक है ना। हाउएवर जब अगर हम किसको कंसीडर करें, अगर क्यूब को कंसीडर करें तो क्यूब में देखो आपका डायमेंशन ही क्या है, यहाँ पे आपका 150 बाय 150 का आपका डायमेंशन ही है। तो इसमें जो रीजन है जो कि हमारा अनअफेक्टेड बाय फ्रिक्शन है वो कम है। और फ्रिक्शन क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है ना, वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। अगर आपका ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिल रहा है तो आपका इसका मतलब क्या है, ज्यादा रीजन अगर फ्रिक्शन में आ रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ वो देगा। लेकिन अगर हमारा कम रीजन फ्रिक्शन में आ रहा है तो वो हमारा ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर रीजन आर अंडर द फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉम्पेरेटिवली यहाँ पर 300 mm का डायमेंशन है, ठीक है ना, तो कॉम्पेरेटिवली किसका आपका सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ होगा वो ऑब्वियसली बात है वो कम होगा, क्योंकि इसका जो अनएफेक्टेड रीजन बाय फ्रिक्शन है वो कम है, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या करता है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, किस चीज के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो जितना ज्यादा रीजन फ्रिक्शन के अंदर आ रहा है, ध्यान सुनना, जितना ज्यादा रीजन फ्रिक्शन के अंदर आ रहा है उतना ज्यादा वो क्या करेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देगा, ठीक है ना, कॉम्प्रेशन के रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। और जितना कम रीजन अगर हमारा फ्रिक्शन में आ रहा है जितना कम, तो उतना कम वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। तो ये सारा चीज था आज के लिए। अभी कल वापिस से ध्यान सुनना, कल जो वापस से हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे ये इसी पे कंप्रेशन। हाउएवर अभी हो सकता है टाइम तुरंत में लेक्चर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, पॉज कर दिया जाएगा। तो अभी क्या है कि वापस से जब मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा तो वापस से हमारा डिस्कशन होगा, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंप्रेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एंड सिलेंडर, ठीक है। इनके बारे में ही हम लोग अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कल के लेक्चर में। और इसमें जो हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच कैसा होगा कल से, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होगा, उन सब के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। चलो तो ये है, अभी इसके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बताना जरा इम्पोर्टेंट है कि आप अन अकेडमी के डिफरेंट चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो डिफरेंट डिफरेंट अगर गेट, और अगर आप लोग जो गेट EEE EC और IN के लिए के हैं, ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो वो क्रिएटिक्स के गेट चैनल को फॉलो करें। जो SSCJE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो SSCJE का उनका क्या है, आपका एक चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए अन अकेडमी का गेट का चैनल है, आप उसको भी फॉलो करो, वाईफाई स्टडी पर तो चल ही रहा है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, फाउंडेशन के लिए भी है, फाउंडेशन बैच जिनको करना है, इंजीनियरिंग पाठशाला है ये सारे, या इलेक्ट्रिकल के लिए एक सेपरेट ही चैनल है वो उनके लिए है। सिमिलरली अगर कोई तेलुगु लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए गेट तेलुगु अन अकेडमी का एक अलग ही चैनल है, उस पर वो लोग जा करके स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का क्रिएटिक्स का गेट का टेलीग्राम लिंक है, EEE का, वो देख सकते हैं। वापस से अगर आप जो हमारा अन अकेडमी का जो डिफरेंट आप कोर्सेज देख रहे थे, अन अकेडमी का जो डिफरेंट कोर्सेज अगर देख रहे थे, तो उसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा, डिस्काउंट अगर आपको चाहिए होगा तो फॉर डैट व्हाट यू हैव टू डू, यूज़ माई रेफरल कोड SIDD10 और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अन अकेडमी से रिलेटेड। और अगर कल का भी लेक्चर का टाइमिंग क्या रहेगा वो सेम रहेगा, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे सुबह सुबह 11 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक। और किसी को कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो दे कैन डायरेक्टली आस्क, ओके। तो देखो कोई क्वेश्चन है, अभी कल का जो लेक्चर चलेगा दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंप्रेशन बिटवीन द क्यूब एंड द सिलेंडर, इसको वापस से, क्योंकि अभी अभी एक एक्सरसाइज से समझाया नहीं गया है, तो कल के लेक्चर को जो मैं कंटिन्यू करूंगा तो वापस से इसको रिज्यूम करूंगा और स्टार्टिंग से ही वापस से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे डिफरेंट साइज का, अगर हमारा क्यूब होता है, जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड साइज 150 बाई 150 बाई 150 लिया, तो अगर हम लोग साइज कम करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं।